हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये नर्सिंग असिस्टेंस से रिलेटेड क्लास चल रहा है, आपका जो मैराथन चल रहा है, नर्सिंग असिस्टेंस का जो है मैराथन चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, और जो आने वाला है क्वेश्चन वो भी इसमें मिक्स है। तो दोस्तों, इस क्लास को लेना आप कहीं मत भूलिएगा। डेली बाय डेली 8 बजे आपको वीडियो अपलोड होता है, आप इसको आसानी से देख लीजिए ताकि आपको जो है तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि दोस्तों आपने पहले का जो 5 भाग देख लिया है, इसका 5 भाग देख लिया है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 6ठा भाग देखिए। लेकिन जो अभी नए बच्चे इस भाग को देख रहे हैं, 6ठे भाग को देख रहे हैं, तो आपको चारों भाग यानी कि 5ों भाग इसके पहले वाला भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप 100% नर्सिंग असिस्टेंट में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि यह वही क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते भी आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ सर, ये हम आपने या तो परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये परीक्षा में आता ही आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको 100% ये क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलता है और आप उसमें आसानी से बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा है, निम्न में से किनकी भित्तियाँ पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो देखिए, वह जो है रक्तदाब किसके भित्तियों के दाबने से होता है? तो धमनियों की, धमनी यानी कि जो है आपके हृदय, हृदय को कहते हैं धमनी, धमनियाँ जो हृदय के आसपास होती है इसको धमनियाँ कहते हैं, धमनियाँ। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है ऊपर जो होता है यानी कि 120 और नीचे वाले होता है 80 mm। वयस्क मनुष्य में रक्त का औसतन होता है यानी कि रक्त जो है वयस्क मनुष्य में यानी कि जो है 18 साल से अधिक वाले व्यक्ति के उम्र के जो होते हैं उसके जो रक्त का जो है परसेंट यानी कि किलो में होता है यानी कि लीटर में 5 से 6 लीटर तक उसका औसतन ब्लड होता है उसके शरीर में। मानव रक्त का पीएच मान यानी कि 7.4 होता है, इसको कभी कल पूछ देता है मानव रक्त का पीएच मान जो होता है अम्लीय होता है या क्षारीय, तो आप जानते हैं कि क्षारीय जो होता है 7.7 के ऊपर जो भी होता है आपका क्षारीय होता है, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान जो हो जाएगा आपका यहाँ क्षारीय हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो है आपका तिल्ली करता है, याद रखिएगा तिल्ली। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आप यहाँ याद रखिएगा सोडियम है, सॉरी लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है लोहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, लोहा यानी कि आयरन जिसको कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है आपका किडनी में होता है। मानव शरीर के खून के अशुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो मानव के खून के शुद्धिकरण को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस द्वारा भी मानव के शरीर का खून का शुद्धिकरण किया जाता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त में लाल रंग होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी होता है कितने? तो आपका जो है संख्या बढ़ेगी, यानी कि जब आप उच्च उन्तांश पर मानव शरीर की आरबीसी क्या होगी? उसकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ऊंचाई पर आप जाएंगे तो उसकी आरबीसी संख्या जो है आपकी बढ़ जाती है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना यानी कि धारण करना। आरएच फैक्टर का पता लगाया था किसने? तो लैंगस्टीनर तथा विनर ने, लैंगस्टीनर तथा विनर ने पता लगाया था आरएच फैक्टर का। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब होता है कि सर्वग्राही, सर्वग्राही कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर को सर्वग्राही कहते हैं। तो है ये आपके उसके रक्त में रोग प्रतिरोधक नहीं पाए जाते हैं, उसके रक्त में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो है ए बी वाले किसी को दे नहीं सकते, सिर्फ ले सकते हैं। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच फैक्टर के अनुसार देखा जाए तो आरएच प्लस
पुरुष तथा आरएच माइनस महिला की शादी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होता है, जिसके जो है वो मृत्यु तक भी हो सकता है। इसी कारण आरएच फैक्टर वाले जो आरएच प्लस पुरुष और आरएच माइनस महिला की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसके संतानों में निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो यदि पुरुष में जो है ए बी होगा या महिला में होगा बी, तो उसके संतान यानी कि जो उसके बच्चे पैदा होंगे उसमें से कौन सा रक्त उपस्थित नहीं होगा दोस्तों, तो वो जो है उसमें उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी ए बी है और इसके पास बी है, तो वो ही जो है कि उसमें पैदा नहीं होगा, सिर्फ ए बी और ए बी हो सकता है। यदि एक पिता का रक्त ए तथा माता का रक्त ओ है तो बताइए कि उनमें से पुत्र निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग का हो सकता है। तो यहाँ ओ हो सकता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम आप जानते हैं कि मस्तिष्क का यह भाग है, बड़ा वाला भाग। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है पुनर्योजन शक्ति होती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मेरुदंड से जो है 21 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है आपका कशेरुक रज्जु में होता है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है? तो उपयुक्त में से सभी हो सकते हैं, यानी कि समुद्र तल से वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तल तटरेखा में परिवर्तन, ये उपयुक्त सभी हो सकता है। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित होता है? तो वो जो है अंटार्कटिका में के ऊपर स्थित होता है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है क्या चीज़ का? अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषित करता है। 279 पूछा है, तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन जो है पर्यावरण के निम्न प्रदूषण के कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है दोस्तों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ाना। घटपर्णी जो है पिच्ड प्लांट इसको कहते हैं, यानी कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूपांतरण होता है? तो ये पत्ता का रूपांतरण होते रहता है। निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो ये घटपर्णी जो है कीटहारी पादप है। आलू में ब्लैक हॉट यानी कि ब्लैक हॉट जो है का कारण कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन की कमी, जो देखते हैं आलू जब होता है उसके अंदर जो है काला काला होता है वहीं उसे ब्लैक हॉट कहते हैं। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र जो है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास से के उत्पन्न से संबंधित है वह है एक जीवाणु। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है? जीवाणु है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो पेट्रोपादप कौन सा है दोस्तों? तो करेंज, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, करेंज, यहाँ करेंज लिख लीजिएगा। पेड़ों की वायु का पता लगाया जा सकता है? तो ये उसके धर यानी कि ट्रंक पर बलयों की संख्या की गणना करके। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये जो है धान। नेक्स्ट पूछा है, पैलियो वनस्पति का अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो पैलियो जो है वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक नहीं है यहाँ सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कर्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? तो कर्क जो है आपका कवैकर्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पूछा है, निम्न के साथ मिलने से एजोला
एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है किसके मिलने से, तो नील हरित शैवाल को मिलने से। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो संकटग्रस्त पादपों जो है उसका नाम जो है कहाँ से सूचीबद्ध किया जाता है, तो लाल आंकड़ों के पुस्तिका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो सभी जानते हैं कलम, कमल जो है। डेल बर्जी या जाति निम्न में से किस एक के लिए संबंधित है, तो शीशम के लिए संबंधित है। निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्राकृतिक वास का विनाश। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो हरित गृह गैस कौन सा नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जो है आपका है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे विश्लेषण निम्न में से किसके माध्यम से करते हैं, तो जड़ों से, जड़ों के बलों से। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है किसके कारण, थे अम्ल वर्षा के कारण। दोस्तों मैं थोड़ा तेजी में आपको इसलिए बताता हूँ कि तो दोस्तों आपको कम से कम समय में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करें। अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा तेजी लग रहा हो तो आप इसको पुश कर करके देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्या क्या आंसर मैं बताता हूँ, वो 100% आपका आंसर सही बताता हूँ और आप इसको याद कर जाइए दोस्तों। क्योंकि मैं कम टाइम में आपको चाहता हूँ कि अधिक से अधिक पढ़ा दूँ ताकि आप जो है अपना लक्ष्य हासिल कर सके दोस्तों। चलिए कोई भी मिस्टेक हुआ उसको आप कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।